मैं हूं मुग्धा मिश्रा. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स ऑन द शो टुडे. वॉल्वो V90 क्रॉस कंट्री की टेस्ट ड्राइव. नई स्कोडा ऑक्टाविया पहले से कितनी बेहतर. मर्सिडीज ने लॉन्च की नई GLA. और हमारे कार एक्सपर्ट 227 बताएंगे 10 लाख के बजट में फोर्ड इकोस्पोर्ट, मारुति बलेनो या फिर फोक्सवैगन पोलो में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए. आपने जो गाड़ियां चूज की हैं उनमें से जो इकोस्पोर्ट है वो इट्स लाइक एन SUV बट अ हैचबैक एंड अ वेरी कॉम्पैक्ट स्मॉल SUV. वॉल्वो इसी महीने लॉन्च करने जा रही है V90 क्रॉस कंट्री, जो कि एक स्टेशन वैगन है. और भारत में स्टेशन वैगन इतने सक्सेसफुल रहे नहीं है, बट क्या V90 क्रॉस कंट्री ये तस्वीर बदल देगी. चलिए मेरे साथ इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर पता करते हैं, डज V90 क्रॉस कंट्री हैज व्हाट इट टेक्स. वॉल्वो लेकर आ रही है V90 क्रॉस कंट्री, जो कि एक स्ट्रेट लुकिंग कार है. और स्ट्रेट लुकिंग कार्स भारत में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, लेकिन इस गाड़ी की खासियत यह है कि जब आप इसे देखेंगे तो आप सबसे पहले इसके लुक से ही इम्प्रेस होंगे. सामने इसका वॉल्वो का सिग्नेचर ग्रिल है, जहाँ पर आपको ये छोटे छोटे डॉट से इस ग्रिल को एकदम अलग लुक देने की कोशिश है. हेडलैम्प्स में आपको वो जो हैमर शेप्ड DRLs होते हैं वॉल्वो की गाड़ियों में, वो यहाँ पर भी मिलता है. इसका जो ये आप देख सकते हैं बोनट है, काफ़ी लंबा है. और साथ ही इसका साइड प्रोफाइल जो है वो आपको थोड़ा सा S90 की याद दिलाएगा. लेकिन क्योंकि बूट अब स्टेट लुकिंग है, वहाँ पर एक्सटेंडेड बूट है, तो इसका लुक थोड़ा सा वहाँ अलग हो जाता है. चलिए अब रियर की बात करते हैं, वहाँ क्या कुछ खास है. वॉल्वो की गाड़ियों का रियर व्यू उनकी अलग पहचान बनाता है, चाहे XC90 हमने देखी या फिर S90, और अब V90 क्रॉस कंट्री में भी इसका रियर व्यू बहुत इम्प्रेसिव है. ये जो टेल लैंप है, इसका डिज़ाइन, इसका शेप, सब कुछ इन गाड़ियों को एक अलग पहचान देता है. साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपलिस्टिक सा व्यू है, कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर ड्रामा नहीं क्रिएट किया गया, बट स्टिल दिस वन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पर ये स्पॉइलर है, स्टॉप लैम्प दिया गया है, ऊपर एंटीना रूफ रेल्स, एंड देन ब्लैक क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ जाती है, व्हील्स के ऊपर भी है. एग्जॉस्ट पाइप्स जो हैं वो ज़रूर क्रोम में दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने का. और स्पोर्टी लुक इसके व्हील्स में आपको ज़रूर दिखाई देगा. ये जो 10-spoke व्हील्स हैं, इनका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है. V90 क्रॉस कंट्री सामने से XC90 और S90 से थोड़ा मेल खाती है. हेडलैम्प में LED का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही इस हेडलैम्प की खासियत है कि ये एक्टिव बेंडिंग लाइट्स और ऑटो हाई बीम फीचर से लेस है, लेकिन साइड से बिल्कुल अलग दिखती है. एस्टेट गाड़ी होते हुए भी इसे स्पोर्टी और मस्कुलर लुक दिया गया है, इसी वजह से ये थोड़ी SUV की तरह दिखती है. एक्सटीरियर के साथ इसके इंटीरियर्स भी कमाल के हैं. V90 क्रॉस कंट्री के इंटीरियर्स भी उतने ही इम्प्रेसिव हैं. नापा लेदर का इस्तेमाल है अपोल्स्ट्री के लिए, जो कि परफोरेटेड सीट्स हैं. यहाँ पर वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन भी है, और ये सीट आपको लॉन्ग ड्राइव पर काफ़ी आराम दे सकती है, क्योंकि इसमें मसाजिंग फंक्शन भी है. और उस मसाज की इंटेंसिटी आप इस 12.3 इंच के डिस्प्ले से कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही इस गाड़ी में जो इंटीरियर्स है वो आपको XC90 के याद ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमने वुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा था, यहाँ पर आपको एल्युमिनियम क्रोम का इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई देगा. साथ ही ये जो इसका डिस्प्ले है इट्स क्वाइट बिग, और इसके साथ साथ इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है. इट्स वेरी नाइस, इट रिस्पॉन्स वेरी वेरी क्विकली.
बावर्स एंड विल्किंस के इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया साउंड आउटपुट है और आप वो साउंड आउटपुट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप आगे बैठे हैं तो आप आगे के लिए उसे सेट कर सकते हैं, रियर पैसेंजर्स के लिए भी अलग सेटिंग दी गई है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम, आउटपुट बहुत ही बढ़िया है। सामान रखने की बहुत सारी जगह है, बड़ा सा ग्लव बॉक्स है जो कि कूल्ड भी है, साथ ही बॉटल रखने की जगह यहाँ पर है और डोर्स में भी जगह है। चाबी रखने के लिए स्पेसिफिकली यहाँ जगह दी गई है और आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। और अगर आप सीडी सुनना चाहते हैं तो वो सीडी का इनपुट भी यहाँ पर है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। स्वीडन में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के लिए तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, हालांकि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ खास तो काम नहीं आने वाला, एक दो महीने ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सामने ये डिस्प्ले बहुत ही नीट डिस्प्ले है, यहाँ पर आपका नेविगेशन आउटपुट भी आ जाता है और ये गाड़ी जो भी आपको कुछ बताना चाहती है वो यहाँ सामने आता रहता है, डोर ओपन एंड ऑल द थिंग्स यहाँ पर सामने आ जाता है। ये सीट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, काफ़ी एडजस्टेबल है, आप इसका थाई सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं और जो साइड सपोर्ट हैं वो भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको काफ़ी कुशन्ड फीलिंग मिल जाती है। चलिए अब रियर सीट पर देखते हैं वहाँ क्या क्या कंफर्ट है। फर्स्ट, आपको इस सीट पर बहुत सारी जगह मिलती है। जिस पोजीशन पर मैं गाड़ी चला रही थी वहीं पर ये सीट पोजिशनड है और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह यहाँ पर आपके लिए है। और साथ ही अगर आप और आपका फ्रेंड जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है एक ही टेम्परेचर पर अग्री नहीं करते हैं, देन यू कैन हैव डिफरेंट टेम्परेचर सेटिंग्स हियर। यहाँ पर आपके लिए सेपरेट वेंट्स भी हैं, एक चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर और एक अच्छा खासा चौड़ा आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें फ़ोन रखने की स्पेसिफिक जगह है और बॉटल होल्डर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। आई रियली लाइक दीज बॉटल होल्डर्स। तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये सीट, लेकिन जितना कंफर्ट फ्रंट सीट पर है, जितने एडजस्टमेंट फ्रंट सीट पर हो सकते हैं उतने आपको यहाँ पर नहीं मिलते और मसाजिंग फंक्शन भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको पैनारोमिक सनरूफ ज़रूर मिलता है, तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा एंजॉय किया जा सकता है। इस तरह से V90 क्रॉस कंट्री का इंटीरियर किसी भी एंगल से स्टेट वैगन कार की तरह नहीं लगता है, ये आपको एक लग्जरी सेडान कार की फील देती है। और इस कार की USP है बूट स्पेस, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इस गाड़ी के बूट में अच्छी खासी जगह है, बहुत ही डीप है ये अंदर की तरफ, और अगर आप हाउस शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी ये गाड़ी आपके काफ़ी काम आ सकती है। नहीं मानते आप मेरी बात, वेल देखते रहिए। अब तो आप ज़रूर अपना घर इस गाड़ी में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। वेल, कुछ और फंक्शंस भी हैं यहाँ पर जो आपको बता देती हूँ। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, लाइट है और लगेज स्क्रीन भी लगाई गई है जिससे अगर आपने यहाँ पर सामान रखा हुआ है तो वो आपके पैसेंजर साइड में टंबल होकर नहीं आए। साथ ही इस बूट लिड को बंद करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर एक बटन है उसको प्रेस करिए और ये आसानी से बंद हो जाता है। दुनिया में अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। V90 क्रॉस कंट्री में कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जैसे लेन असिस्ट, रोड साइन इंफॉर्मेशन, कोलिजन मिटिगेशन सपोर्ट जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं। इस गाड़ी के अंदर बैठकर जितना मजा आता है उससे कहीं ज्यादा मजेदार है इसे चलाना। डीजल गाड़ी होने के बावजूद भी इसकी ड्राइव पेट्रोल कार की तरह स्मूथ लगती है। V90 क्रॉस कंट्री में 2 लीटर का इंजन है जो 235 HP पावर 480 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 8 स्पीड गियर बॉक्स है और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। आप इसको 4 मोड्स में चला सकते हैं, इकोनॉमी, कंफर्ट, ऑफ रोड और डायनेमिक। और साथ ही यहाँ पर पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, तो अगर आप गियर खुद शिफ्ट करके गाड़ी चलाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं।
इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही लीनियर परफॉर्मेंस है, कहीं भी आपको लैग नहीं पता चलता, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। हमने जो ऑफ रोडिंग की वो भी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि 210 mm का इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफ रोडिंग में आपके काफ़ी काम आने वाला है, कहीं भी दिक्कत नहीं आई हमें। और साथ ही एक और ख़ास बात है इस गाड़ी का सस्पेंशन, इसमें इस गाड़ी में 20 inch के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी बड़े व्हील्स हैं, उसके बाद भी ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल फील होती है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल राइड, चाहे आप ड्राइवर सीट पर बैठे हों चाहे आप पैसेंजर सीट पर बैठे हों। सो परफॉर्मेंस वाइज दिस कार इज टॉप नॉच। क्रॉस कंट्री के रेयर में एयर सस्पेंशन और फ्रंट में डबल विशबोन सस्पेंशन दिए गए हैं, जो आपको कंफर्टेबल राइड देता है। 210 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से खराब रास्तों में भी ये आराम से चलती है। कंपनी इसे 12 जुलाई को लॉन्च करेगी और माना ये जा रहा है कि इसकी कीमत 62 से 65 लाख रुपए के बीच हो सकती है। V90 क्रॉस कंट्री में फीचर्स बेहतरीन हैं और लुक्स भी अच्छे हैं। अब इसको रिस्पांस कैसा मिलता है ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नई स्कोडा ऑक्टाविया में क्या है खास। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। सी सेगमेंट में स्कोडा ऑक्टाविया काफी पॉपुलर रही है और अब कंपनी से नए अवतार में लेकर आ रही है अपनी मार्केट शेयर को और मजबूत करने के लिए। तो क्या क्या बदला है, क्या कुछ बेहतर हुआ है नई स्कोडा ऑक्टाविया में, इसके लॉन्च के पहले देखिए ये स्टोरी। कुछ साल पहले जब स्कोडा ने अपना मशहूर ब्रांड ऑक्टाविया भारत में वापस लाया तो उसने अपने सेगमेंट में काफ़ी हलचल मचा दी। इट वॉज ईजिली द मोस्ट प्रीमियम कार इन इट्स सेगमेंट। लेकिन अब वक्त आ गया है इस गाड़ी के मिड लाइफ मेकओवर के लिए, इसलिए हम आए चंडीगढ़ में जहां हम टेस्ट ड्राइव लेंगे इस नए गाड़ी की एंड वील सी वॉट हैज एग्जैक्टली चेंज्ड इन द ऑक्टाविया फेसलिफ्ट। स्कोडा ऑक्टाविया बिक्री के मामले में जरूर थोड़ी पीछे है, लेकिन इस कार की अपनी अलग पहचान है। ये गाड़ी एग्जीक्यूटिव सेगमेंट के साथ स्कोडा के बेड़े में भी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। नई ऑक्टाविया में कई छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। सामने से देखें तो नया एलईडी हेडलैम्प है जो दो भाग में है, साथ में फॉग लैंप के साथ बोनट और बम्पर में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। स्कोडा का कहना है कि ये एलईडी लैंप्स यूज करके उसका जो ओवरऑल एमिशंस है वो 1 gram per kilometer से कम हो गया है, विच इज अ बिग डील। ऑल्सो ये जो LED headlamps हैं दे आर दी adaptive kind, मतलब इनका लेवल ही ऑटोमेटिकली सेट करते हैं, प्लस जो लाइट की इंटेंसिटी और स्प्रेड है इसको सराउंडिंग्स और एम्बियंट लाइट के हिसाब से वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करेगा। साइड से देखें तो पहले की तरह शार्प टॉर्नेडो लाइन इसके बॉडी पर दिए गए हैं जो इसे लॉन्गर और स्लीकर लुक देते हैं। रियर लुक को कूपे की तरह डिजाइन किया गया है, टेल लैंप से लेकर बूट के डिजाइन को बॉडी की स्टाइल से मैच किया गया है। लेकिन जो सेफ्टी और लग्जरी फीचर्स कंपनी ऑक्टाविया में दे रही है वो इस सेगमेंट की बाकी कारों में नहीं है। इसके केबिन में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंफोटेनमेंट में किया गया है। अब इसमें 8 inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जबकि पहले 6 inch का हुआ करता था। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन आकर्षक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी काम किया गया है और इसके टॉप वेरिएंट में कलर प्रोग्रामेबल एम्बिएंट लाइट मिलते हैं। आई जस्ट लव दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका जो लुक एंड फील है, जिस तरीके से ये काम करता है, द ओवरऑल डिजाइन काफी बढ़िया है। इनफैक्ट कुछ और प्राइसियर कार जो है, जो ज्यादा प्रीमियम कार है, उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है ये। इफ यू कंपेयर टू द इलांट्रा,
बहुत ही बढ़िया कैबिन है, इट लिफ्ट्स द मूड कम्प्लीटली। इफ यू कंपेयर टू द करोला, करोला काफी पुरानी दिखती है, इवन द न्यू अपडेटेड मॉडल बहुत पुरानी दिखती है व्हेन यू लुक एट द कैबिन ऑफ द ऑक्टाविया। लेकिन नई ऑक्टाविया चलाने में कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इंजन और परफॉर्मेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह तीन इंजन ऑप्शन है, दो पेट्रोल इंजन 1.4 लीटर और 1.8 लीटर, तीसरा 2 लीटर का डीजल इंजन। पावर और परफॉर्मेंस भी पहले की तरह है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इन तीनों इंजन ऑप्शंस में से द इंजन दैट आई लव द मोस्ट इज द 1.8, 180 पीएस की पावर है इसमें और गाड़ी का वेट इट्स लेस देन 1.4 टन्स, तो अगर पावर टू वेट रेशियो देखें इट्स 131 पीएस पर टन। जो 1.4 पेट्रोल और 2 लीटर डीजल वेरिएंट्स हैं, इसके अंदर आपको रियर सस्पेंशन इज अ कंपाउंड लिंक एक्सल, इट इज़ नॉट द मल्टी लिंक लाइक द 1.8। तो इसकी जो राइड क्वालिटी है काफ़ी सॉफ्ट है, हैंडलिंग डायनामिक्स 1.8 की तरह इतने शार्प नहीं है, द कार डजेंट फील एज फ्लैट जब आप कॉर्नर्स ले रहे हो, बट जो राइड क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ काफ़ी सॉफ्ट है। स्कोडा का कहना है कि तीनों इंजन्स की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेहतर है आउटगोइंग ऑक्टाविया से, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंजन ट्यूनिंग, लेकिन जो नया फेस इस गाड़ी को दिया गया है उस डिज़ाइन में एरोडायनामिक्स हैव बीन बेटर्ड, तो उस बेटर एरोडायनामिक्स की वजह से फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि इसकी कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होगी। स्कोडा ऑक्टाविया का रिव्यू, और अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, जहां पर मर्सिडीज लेकर आ गई है 2017 में अपना 7वां प्रोडक्ट, उन्होंने लॉन्च किया है जीएलए को कुछ बदलावों के साथ, तो चलिए देख लेते हैं ऑटो वर्ल्ड की खबरों का एक क्विक अपडेट। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने जीएलए का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 30,65,000 से 36,75,000 रुपए के बीच है। जीएलए मर्सिडीज के बेड़े में एंट्री सेगमेंट की एसयूवी है। इसका सीधा मुकाबला बीएमडब्ल्यू X1 और ऑडी Q3 से है। नई जीएलए में कई छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके फीचर्स और इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फ्रंट लुक का डिजाइन नए शेप में है, साथ ही हेडलैम्प में अब एलईडी मिलेगा, जबकि फिलहाल बाई जेनॉन लाइट मिलती है। रियर में मामूली बदलाव किए गए हैं। ऑफ रोड में ड्राइव के दौरान कंपनी एडवेंचर पैकेज का ऑप्शन भी दे रही है। इंटीरियर में अब आपको 12 कलर एम्बिएंट लाइट दिए गए हैं, साथ ही डैशबोर्ड में और भी कई छोटे छोटे बदलाव मिल जाएंगे, लेकिन इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह पेट्रोल वेरिएंट में 183 bhp पावर देने वाला 2 लीटर का इंजन है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 2.1 लीटर का इंजन है जो 136 bhp पावर देता है। इसका टॉप वेरिएंट जिसमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है उसमें 170 bhp मिलता है, और दोनों ही इंजन वेरिएंट 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करते हैं। चलिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, जो आपको बताएंगे 10 लाख के बजट में फोर्ड एकोस्पोर्ट, मारुति बलेनो या फिर फोक्सवैगन पोलो में से कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज़ ओवर ड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने का, और जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हेलो टूटू जी, पहला सवाल एश्लिन कुमार का है, 10 लाख के बजट में कार खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूजन है फोर्ड एकोस्पोर्ट, मारुति बलेनो या फिर फोक्सवैगन पोलो के बीच में। असीम जी, वैसे तो
आपने जो गाड़ियाँ चूज की हैं उनमें से जो इको स्पोर्ट है वो इट्स लाइक एन एसयूवी बट अ हैचबैक एंड अ वेरी कॉम्पैक्ट स्मॉल एसयूवी जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और साथ साथ आपको उसके अंदर एसेसरीज भी हैं वो भी बहुत बढ़िया है। आपका फ़ोन भी उसके साथ सिंक हो जाएगा, सारे आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी आपको गाड़ी के साथ सिंक हो जाएंगे एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट अदरवाइज ऑल्सो इन साइज एंड वेट। तीन इंजन ऑप्शंस हैं बट द बेस्ट इज़ 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 90 bhp निकालता है और 22 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है। 7 लाख से उसकी प्राइस शुरू होती है और 10 लाख तक जाती है एंड फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी हो गई है एंड इट्स वेरी कंपेरेटिव व्हेन यू कंपेयर विद द कंपटीशन। जिग्नेश व सीता जानना चाहते हैं होंडा ड्रीम योगा, होंडा ड्रीम नियो या फिर हीरो स्प्लेंडर में से कौन सी लेनी चाहिए? जिग्नेश जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे होंडा की जो आपकी ड्रीम योगा आपने सेलेक्ट की है वो लीजिए, मास के लिए बहुत बढ़िया है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बाइक एंड इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग बाइक। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इसकी इंजीनियरिंग और इंजन की है दैट्स वेरी स्मूथ, 110 cc के साथ 8.3 bhp निकालती है, फ्यूल एवरेज 55 से 60 किलोमीटर है और प्राइस उसकी शुरू होती है 56,000 से एंड आफ्टर सेल सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर वो भी बहुत बढ़िया है पैन इंडिया। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। नमस्कार।